एमआयएमची भूमिका काय असते? एमआयएमची भूमिका, मी एक स्लोगन दिलो होतो साहेब, हमने रमजान में एक स्लोगन दिया था, सबके लिए खतरा मैं हूँ 2017, ये एमआईएम का स्लोगन था। और मैं सबसे पहले इन चैनल और समाधान वागमाड़े और उनके टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हम इच्छुक उम्मीदवारों को दिया है कि हम अपनी लाइकी लोगों तक पहुंचा सके कि हम क्या है। ये इंटरव्यू में समझ में आता सर कि कौन क्या है, कि कौन क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये लोगों को समझ में आता। ये बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारे नेता लोगों को भी समझ में आता और पब्लिक को कि कौन काम किया है, कर रहा है और नहीं कर रहा है। और ये लोग जो हमेशा बार बार एमआईएम को जातिवाद बोल रहे हैं, सर मैं सिर्फ आपको एक शेर कहूँगा, वतन के दुश्मनों को हम हमदम नहीं रखते, वतन से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते, शौक से तलाशी ले लो हमारे घरों और मदरसों की, जहाँ पर कुरान रखते हैं वहाँ पर बम नहीं रखते। ये एमआईएम पार्टी जातिवाद नहीं है, सब समाज को लेकर चलने वाली, एजुकेटेड लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। हमने अपना एजेंडा तय किया है कि अगर हम इस निवडणूक में चुनकर आते हैं, और इंशाल्लाह जरूर चुनकर आएंगे, चुनकर आने के बाद जो विकास का काम, अरे चार चार टर्म क्यों लगते आपको विकास का काम करने के लिए? मैं आपसे हमारे प्रभाग 14 क्रमांक से हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ, सिर्फ एक टर्म, एक चांस दो मुझे। 25 साल तक यहाँ काम हुआ, कोई बिगाड़ नहीं होगा, तक्केवारी मुक्त विदाउट परसेंटेज का काम कराकर, एस्टिमेट परमाने काम कराकर हम लेंगे। और वो विकास करने का काम है, जहाँ तक विकास की बात है, प्रभाग में कुछ नहीं विकास हुआ। आपने अभी हमारे नगर सेवक बड़े भाई से पूछा कि यहाँ पर कितने स्वच्छता घर की आपने तोड़ने की मंजूरी दी, आप खुद चौकसी करो, इनके ये मंगा कर देखो प्रोसीडिंग कि कितने प्रभाग में के मुतारी और कचरा कुंडा तोड़ने के प्रस्ताव इन्होंने दिया है और कितने मंजूर करके लिए और उसको रुकाने का काम किसने किया है। और विकास जहाँ तक मुस्लिम समाज, ये हमारे सच्चर कमेटी, ये वो सबके रिपोर्ट है कि हम दलित समाज से नीचे हैं, तो हमारे को सबसे पहले चाहिए एजुकेशन। हम सबसे पहले एजुकेशन का काम करेंगे, जो कारपोरेशन की स्कूल बंद कर जो लूटलाट करने का काम चालू किया है लोगों ने, नगर सेवकों ने, हम उस कारपोरेशन के स्कूल को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर हमारे बच्चों को आज जो 20-25 हज़ार डोनेशन देना पड़ता वो देने की जरूरत नहीं होंगी। वो स्कूलों को हम इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू करेंगे। और विकास के नाम पर जो ये लोग वोट मांग रहे हैं, इनके पास कुछ है नहीं साहब, बदन के घाव दिखाकर जो भीख मांगते हैं वो जख्म भर जाने के डर से डरते हैं। जख्म इनका भरेगा तो इनको बदन का घाव दिखाने को नहीं मिलेगा ना। ये लोग चुप बम मार रहे हैं कि विकास हुआ, विकास हुआ, कहीं कुछ विकास नहीं हुआ। विकास तो